बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टुडे आई एम गोना क्रिएट अ पार्टी मेकअप लुक, सो यू हैव टू स्टे विद मी टिल द एंड ऑफ द वीडियो। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले ना ये देख लें, ठीक है, चेहरे पे कुछ नहीं लगा हुआ। अब मैंने सबसे पहले लगा लेना है प्राइमर। प्राइमर लगाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये स्मैश बॉक्स का फोटो फिनिश प्राइमर, ठीक है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का प्राइमर है, तो ये प्राइमर मैं अब लगा लूँगी। क्या करके मैं ये प्राइमर लगा लूँगी, इसको आप अच्छे से लगा लें। इसके अलावा भी बहुत अच्छे से प्राइमर्स हैं, अगर आपके पास ये प्राइमर नहीं है तो आप कोई और प्राइमर ले लें। तो हियर आई एम डन विद द प्राइमर। अब बारी आती है बेस लगाने के लिए। बेस के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ये क्रायलिन की टीवी पेंट स्टिक, ठीक है। अच्छा, ये जो स्टिक है ना, ये आपने थोड़ी सी ज़्यादा लगानी है। उसकी रीज़न ये है कि ये आपकी है पार्टी मेकअप लुक, ठीक है, तो इसलिए आप इसको थोड़ा ज़्यादा लगाएंगे। जो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था ना अपना सिंपल ग्लैम लुक, तो क्योंकि वो आपकी एवरीडे लुक थी, तो उसमें आपने थोड़ा सा कम लगाना होता है। तो ये है हमारी पार्टी मेकअप लुक, तो इसमें आप थोड़ा सा जो ये है ना फाउंडेशन, वो थोड़ा ज़्यादा लगाएंगे। तो अब इसको मर्ज करने लगी हूँ, ठीक है। मैं इसको मर्ज कर रही हूँ ब्रश की मदद से। अगर आप ब्रश से नहीं करते तो आप ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर लें, लेकिन ब्यूटी ब्लेंडर को ना आप थोड़ा सा डैम्प कर लीजिएगा। ये प्राइमर बहुत ही अच्छा इफेक्ट देता है, तो इसलिए आप कोशिश करें कि आप पहले बेस से पहले प्राइमर ऐड कर लीजिए और उसके बाद आप बेस लगा लें। तो अब बारी आती है कंसीलर की, ठीक है। कंसीलर जो है ना, मैं नॉर्मली ये वाला यूज़ करती हूँ, ये देख लें, एल्फ का कंसीलर है। बहुत ही अच्छा कंसीलर और बहुत अच्छी किस्म की कवरेज देता है। तो ये मैं थोड़ा सा लगा लूँगी, ज़्यादा नहीं लगाना मैंने, ठीक है। नॉर्मली आपको लगाना है अपने आई के इस एरिया पर, ठीक है। फिर आपने इसको यहाँ पे, जो आपके हाइलाइटिंग वाले एरियाज हैं ना, आपने इसको वहाँ पे लगाना है, ठीक है। ये देख लीजिए, तो फ़ौरन से मैं इसको मर्ज कर दूँगी, क्योंकि अगर ये प्रॉपरली मर्ज ना किया जाए ना फ़ौरन से, तो ये ड्राई हो जाता है। और अच्छे कंसीलर की पहचान ही ये है कि वो फ़ौरन से ड्राई हो जाए। अगर आपके पास ये कंसीलर नहीं है तो आप मेबेलिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी मेरे यूज़ में है, वो भी बहुत अच्छा कंसीलर है, ठीक है। अच्छा, एक बात का ख्याल रखिएगा कि आपने अपने ये जो चीक बॉन्स से नीचे लगाया है ना कंसीलर, इसको आपने ना नीचे वाली साइड पे इस तरह से करके मर्ज करना है। इसको आपने ऊपर नहीं लेके जाना, क्योंकि इससे जो ऊपर लाइन आएगी ना, वो आएगी आपकी कॉन्टोरिंग की। तो इसलिए आपने इसको नीचे वाली साइड पर इस तरह से करके मर्ज करना है, ठीक है। ये ऊपर रह गया, इसको भी इस तरह से मर्ज कर लें। नाउ आई एम डन विद द कंसीलर एज वेल, ठीक है। अब मैं मूव करूँगी अपनी कॉन्टोरिंग की तरफ, ठीक है। कॉन्टोरिंग के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं इस्तेमाल करती हूँ ये स्टूडियो लंदन वाली पैलेट, ठीक है। इसमें से जो ये डार्क ब्राउन कलर का शेड है ना, ठीक है, ये वाला, इस शेड को मैं इस्तेमाल करूँगी अपनी कॉन्टोरिंग के लिए। और ये आपने कॉन्टोरिंग स्टार्ट करनी है अपने कान के यहाँ से, और इसको आपने लेकर आना है यहाँ तक, ठीक है। तो इस तरह करते करते आपने कॉन्टोरिंग कर लेनी है। ऊपर लेके जाके आप इसको अपने माथे तक ले जाएंगे, यहाँ तक ले जाएंगे, ठीक है। जो आपने कंसीलर लगाना है ना, उसको आपने मर्ज करना है डाउनवर्ड स्ट्रोक्स में, ठीक है। और जो आपने ये कॉन्टोरिंग करनी है, ये आपने करनी है अपवर्ड स्ट्रोक्स में, ठीक है। आपके जो नक्श होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आ जाती है, ठीक है। इसके बाद आपने अपनी ये जॉ बोन पे आके इस तरह से कॉन्टोरिंग कर लेनी है। दूसरी साइड पर भी इसी तरह से आपने करना है, अपने कान के पास से शुरू करके आपने अपने लिप्स तक लेकर आना है, ठीक है। अपनी चीक्स भी की, फिर आप अपने ये आई से कॉर्नर से लेके जाके आप आहिस्ता आहिस्ता इसको ले जाएंगे अपने फोरहेड तक, अपने माथे तक। तो ये आपका प्रोसेस होता है आपकी कॉन्टोरिंग का। जब ये ख़त्म हो जाए तो इसके बाद आपने क्या करना है कि ये जो आपकी जॉ लाइन है, यहाँ से भी आपने कॉन्टोरिंग कर लेनी है, जैसा कि आपने अपनी दूसरी साइड से की है फेस के, ठीक है। नोज़ जॉब में भी हम इसी तरह से कॉन्टोरिंग कर लेंगे। ये आपने ब्रश लिया, ठीक है, इसको आपने यहाँ से स्टार्ट किया कॉन्टोर करना, और इस तरह से आपने इसकी एक साइड को कॉन्टोर कर लिया, ठीक है। अच्छा जी, तो दैट वाज ऑल अबाउट कॉन्टोरिंग। इस तरह से आप अपने फेस को कॉन्टोर करके बिल्कुल बैलेंस कर सकते हैं। कॉन्टोरिंग के बाद आप, मैं इसको सेट करने के लिए ना, ये वाला मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि मैं ये वाला लूज़ पाउडर यूज़ करने वाली हूँ। ये मिनरल लूज़ पाउडर है, ठीक है, बहुत अच्छा है, आपकी स्किन को बिल्कुल बैलेंस कर देगा। तो थोड़ा सा जो है ना, आप लूज़ पाउडर लगा लें। अगर आपके पास लूज़ पाउडर नहीं है तो आप कॉम्पैक्ट पाउडर लेके आप उसको लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये मैं लूज़ पाउडर लगा रही हूँ अपनी स्किन के ऊपर, ठीक है, ये आप देख लें। इससे आपकी जो स्किन है ना, बहुत अच्छे से सेट हो जाती है। ये जो आई वाला एरिया है ना,
ठीक है, इस पर थोड़ा ज़्यादा लगा लें और बाकी माइनर सा लगा लीजिए। वंस यू आर डन विद द लूज पाउडर, तो आपको ऐसा फील होता है कि जो स्किन है ना बहुत अच्छी अच्छी लगने लगी है। अब मुझे भी लग रहा है कि मेरी स्किन थोड़ी बैलेंस हो चुकी है। अब बारी आती है ब्लश ऑन की, ठीक है। तो ब्लश ऑन के लिए मैं बहुत बड़ा सा ये वाला रेवोल्यूशन का पैलेट है ये इस्तेमाल करने लगी हूँ, ये देख लीजिए, ठीक है। ये 48 कलर रेवोल्यूशन पैलेट है और जो मेरी भाभी मेरे लिए लेकर आई हैं, क्योंकि मेरे लिए जितना भी मेकअप है ना वो अल्लाह ज़िंदगी दे मेरी भाभी को, शी ब्रॉट ईच एंड एवरी काइंड ऑफ मेकअप फॉर मी, ठीक है। तो ये मेकअप भी वो मेरे लिए लेकर आई हैं, तो इसमें से जो है वो मैं कलर यूज़ करने वाली हूँ। ये बहुत ही मज़ेदार सा कलर है, मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। ये जो बेबी पिंक कलर है ना ये मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ, आप ये देख लें, ये 1, 2 और 3, ये थर्ड वन, ठीक है। बहुत मज़े का, बहुत ही नेचुरल सा कलर है, तो आपको इस नेचुरल कलर को लगा के ना बहुत ही अच्छा लगेगा। बात याद रखिएगा कि जब भी आप कलर लगाते हैं ना तो उसको थोड़ा सा ऐसे करके डस्ट ऑफ ज़रूर किया कीजिए, ठीक है। जब आप डस्ट ऑफ कर लेते हैं तो जो एक्सेस कलर लगा हुआ होता है ना वो गिर जाता है और आपकी स्किन के ऊपर सिर्फ उतना ही कलर अप्लाई होता है जितना आपकी स्किन को ज़रूरत होती है। कीप वन थिंग इनटू योर माइंड, नो मैटर व्हाट काइंड ऑफ कलर यू आर यूजिंग, बट ट्राई ना यूज़ वेरी नेचुरल एंड वेरी कैची कलर्स, ठीक है। आप जितने ज़्यादा नेचुरल कलर यूज़ करेंगे आप उतने ही हसीन लगेंगे। ब्लश ऑन के बाद अब बारी आ जाती है हाईलाइटर की। हाईलाइटर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ रेवोल्यूशन का ये वाला हाईलाइटर, बहुत ही मज़े का है ये, मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। ये डबल कलर है तो इसमें से जो पिंक वाला कलर है ना मैं वो इस्तेमाल करने वाली हूँ, ठीक है। तो ये बहुत ही मज़ेदार किस्म का जो है ना शिमर आपकी स्किन के अंदर ऐड कर देता है। तो ये बहुत ही मज़े का हाइलाइटर है जो कि आपकी स्किन को ना बहुत ही पिंकी सी लुक देता है और बहुत ही पिंकी सी ग्लो देना शुरू कर देता है। तो आई एम डन विद द हाइलाइटर, तो अब बारी आती है पैलेट को बंद करने की, ठीक है। तो पैलेट को बंद करते हैं और अब हम चलेंगे अपने आई एरिया की तरफ। अच्छा, आई के लिए ना मैं ये वाला रेवोल्यूशन का आई प्राइमर यूज़ करती हूँ, ठीक है। अगर आपके पास ये वाला प्राइमर मौजूद नहीं है आई शेडो प्राइमर, तो आपने क्या करना है कि जो बेस आप अपनी स्किन के ऊपर लगा रहे हैं ना वही आप अपनी आंखों पर भी लगा लें, तो आपका जो प्राइमर का काम है ना वो हो गया। लाइक ये प्राइमर ज़रूरी नहीं है आपके पास होना, अगर आप अपनी स्किन के ऊपर अपनी बेस भी लगा लेते हैं ना तो दैट्स इनफ, ठीक है। तो मेरे पास क्योंकि है इसलिए मैं लगा रही हूँ, अगर ना होता तो मैं भी बेस से काम चला लेती। तो अगर आपके पास ये नहीं है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपके पास मेकअप का ईच एंड एवरी आइटम हो, आपके पास जो चीज़ें अवेलेबल हैं आप उनसे काम चलाएं, ठीक है। तो ये प्राइमर मेरे पास है तो इसलिए मैं इसको लगा लेती हूँ। प्राइमर लगाने से ये होता है कि जो आपके आई शेडोज़ हैं ना उनका जो कलर होता है वो एज इट इज़ आता है, ठीक है। क्योंकि आपकी जो आइज़ होती हैं, बाज़ लोगों की आँखें जो हैं वो थोड़ी डार्कर कलर में होती हैं, यानी कि जो आई कवरिंग है ठीक है थोड़ी डार्कर होती हैं, कुछ लोगों की थोड़ी लाइट होती हैं, तो जो आई शेड का कलर है ना वो एज इट इज़ नहीं आता। तो इसलिए नॉर्मली ये जो आई शेडो प्राइमर है इसको इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से आप ये एक ले के ब्यूटी ब्लेंडर आप इसको इस तरह से मर्ज कर लें, ठीक है, इसको भी इस तरह से मर्ज कर लीजिए। तो नाउ फॉर द आई शेडोज आई एम गोना यूज़ दिस आई शेडो पैलेट, ठीक है। ये रेवोल्यूशन का आई शेडो पैलेट है, बहुत ही मज़े के कलर्स हैं इसके अंदर, में डार्क कलर्स भी हैं लाइट कलर्स भी हैं, बहुत ही मज़े के कलर्स हैं। सो आई एम गोना शो इट टू यू, ये देख लें, ठीक है। तो इसमें से जो सबसे ज़्यादा लाइट कलर है ना उसको मैं एज आ बेस यूज़ करने वाली हूँ। नाउ आई एम डन विद द बेस ऑफ द आई, तो अब मैं मूव करूँगी अपनी क्रीज की तरफ। क्रीज के लिए ना मैं थोड़ा सा डार्कर शेड इस्तेमाल करी, जो आपको दिखाती हूँ ये वाला जो शेड है ना ये मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ क्रीज के लिए, ठीक है। तो इसी तरह से मैं थोड़ा सा ये शेड लूँगी, इसको थोड़ा सा डस्ट ऑफ करूँगी और मैं इसको लगा लूँगी अपनी क्रीज पे, ठीक है। आपने अपने आई के कॉर्नर से स्टार्ट करना है और आपने इनर कॉर्नर की तरफ मूव करना है, ठीक है। लाइक आपने स्टार्ट किया उसको फ्रॉम द आउटर कॉर्नर एंड यू हैव टू मूव टूवर्ड्स द इनर कॉर्नर। यू आर डन विद बोथ आईज, तो अब आपने क्या करना है कलर ट्रांजिशन के लिए थोड़ा सा डार्कर कलर इस्तेमाल करना है। मैं यहाँ पे जो ब्लैक वाला कलर है ना, ठीक है, लास्ट वाला, इसको इस्तेमाल करूँगी, इसको मैं लगाऊंगी बिल्कुल स्लाइटली एट द आउटर कॉर्नर्स। तो आप देख लें इस तरह से आपने इसको स्लाइटली मर्ज करना है इस तरह से, ठीक है। अच्छा, जब आपने इस तरह से इसको मर्ज कर लिया तो आपने मज़ीद शेड ऐड नहीं करना, बल्कि आपने क्या करना है इसी ब्रश को आपने स्लाइटली ये जो आपके आँख के नीचे वाली लोअर लैश लाइन है यहाँ पे भी आपने इसी शेड को जो इस तरह से है करके मर्ज करना है, ठीक है। यानी आपने इसको थोड़ा सा लोअर लैश लाइन के साथ साथ लगाना है, ठीक है। तो इससे आपकी जो आँख है ना उसकी कंप्लीट लुक आ जाएगी। जितना अच्छा ब्लेंड करेंगे उतना अच्छा आपका जो शेड्स हैं ना वो नज़र आएंगे। तो अब मैं अपनी आंखों के ऊपर थोड़ा सा शिमर ऐड करूँगी एंड फॉर द शिमर आई एम गोना यूज़ दिस मेकअप पैलेट ऑफ रेवोल्यूशन, ठीक है। ये रेवोल्यूशन पैलेट मैंने आपको अपने लास्ट वाला जो मेरा था ना मेकअप ट्यूटोरियल उसमें भी दिखाई थी। तो इसमें से मैं बहुत ही मज़े का एक कलर इस्तेमाल करने वाली हूँ, मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ ये वाला कलर, ठीक है। तो इसको मैं ऐड करूँगी, इसको मैं कैसे ऐड करूँगी कि थोड़ी सी मैंने इसको अपनी फिंगर टिप पर लगाना है और इसके बाद मैं इसको ऐड कर लूँगी अपनी आँखों के ऊपर, ठीक है। तो आपने ये वाला शिमर जो है वो अपनी आईज़ के ऊपर ऐड कर लेना है। तो इसी तरह से दूसरी आंख पे भी लगा लूँगी, फिर मैं लगा लूँगी अपने फिंगर टिप की मदद से।
तो अब इसको मज़ीद फाइन करने के लिए आपने अपना ये ब्रश लेना है जिसकी मदद से आपने क्रीज बनाई थी, और दोबारा से आपने एक दफ़ा अपनी क्रीज को क्लियर कर लेना है। ठीक, ये आपने ब्रश लिया और इसको आपने दोबारा से एक दफ़ा क्लियर कर लेना है। इसी तरह से आपने दूसरी आंख के ऊपर भी कर लेना है। सो नाउ आई एम गोना अप्लाई द आईलाइनर। मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ ईट्यूब का ये वाला आईलाइनर। ठीक है, देयर आई एम डन विद द आईलाइनर। तो अब मैं मूव करूँगी अपने मस्कारा की तरफ। तो मैं मेबीलिन का ये वाला मस्कारा यूज़ करने वाली हूँ। इसका बहुत ही ज़बरदस्त इफेक्ट है, क्योंकि इससे ना आपको लगता है जैसे आपकी आईलैशेस जो हैं वो डबल हो गई हैं। ठीक है, तो ये वाला मस्कारा लेके मैं अपनी आईलैशेस पे लगा लूँगी। बिकॉज ये पार्टी मेकअप है ना, सो योर आईज नीड्स टू बी अ बिट फैंसी। ठीक है, तो जो आपकी लोअर लैश लाइन है आपने उस पर भी मस्कारा ऐड करना है। दोनों आँखों पर इस तरह से आपने मस्कारा ऐड कर लिया। ठीक है, सो आई एम डन विद द मस्कारा सर। नाउ फॉर द आईब्रोज ना मैं यूज़ करने वाली हूँ ये रेवोल्यूशन का टेंट। ठीक, दूसरी जो आईब्रो है उसको भी इसी तरह से शेड दे दूँगी। सो नाउ आई एम डन विद द आईब्रोज एज वेल। अब मैंने क्या करना है कि बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का मैंने लेना है हाईलाइटर, और उससे मैंने हाईलाइट करना है अपने आईज कॉर्नर को। ठीक है, इनर आई कॉर्नर जो है, इसके साथ साथ जो मेरा आईब्रो है उसके नीचे उसको मैंने हाईलाइट करना है। थोड़ा सा थोड़ी सी अपनी नोज़ को करना है, थोड़ी सी अपनी चिन को करना है, थोड़ा सा फोरहेड को करना है। ठीक है, तो बहुत ही नेचुरल कलर का ये ब्रंच क्लब जो मेरा हाईलाइटर है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, ये इतना नेचुरल कलर है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जो है ना ये इफ़ेक्ट देता है। यहाँ पे भी लगा लूँगी। बारी आ जाती है आपकी नोज़ की। ठीक है, ये जो आपका फ्रंट वाला एरिया है इसको आपने अच्छे से हाईलाइट कर लेना है। इसको हाईलाइट करने के साथ साथ आपने अपने ये लिप्स के ऊपर, चिन के ऊपर, ठीक है, और साथ ही आपने थोड़ा सा अपनी फोरहेड के ऊपर भी इस तरह से आपने हाईलाइट कर लेना है। ये बहुत ही नेचुरल कलर है और बहुत ही फंटास्टिक किस्म की जो है ना आपकी स्किन को हाईलाइट कर देता है। ठीक है, और इसी तरह से आपने अपने ये जो आपके आईब्रोज़ के नीचे वाला एरिया है इसको भी आपने इससे हाईलाइट कर लेना है। ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का कलर जो है ना ये डेवलप करता है यहाँ पे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कलर ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए अगर आप इसको हल्के से हाईलाइट ही कर लेते हैं ना तो दैट्स मोर देन एनफ। ठीक हो गया, आई एम डन विद द हाईलाइटिंग। अब मैं मूव करूँगी अपने लिप्स की तरफ। तो लिपस्टिक के लिए मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ बहुत ही मज़े का और बहुत ही नेचुरल सा शेड। कहाँ गया, गुमा नहीं, इधर ही है। नेचुरल सा शेड इस्तेमाल कर रही हूँ मैं, इस्तेमाल कर रही हूँ ये वाला शेड, स्टीला का ये वाला शेड इस्तेमाल करने वाली हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की लिपस्टिक है। ठीक है, तो ये मैं लगा लूँगी अपने लिप्स के ऊपर और फिर मैं आपको दिखाऊँगी अपनी फाइनल लुक। सो हेयर आई एम गोइंग टू एड दिस कलर टू माई लिप्स। सो दिस इज़ द फाइनल लुक।